सलमान खान एक सीरियल ऑफेंडर है गलतियों पे गलतियों का एक अंबार लगा हुआ है सलमान खान इस देश के एक ऐसे सुपरमैन है जिनकी गाड़ी खुद से चलती है सेल्फ ड्राइव मोड में रहती है चार पांच लोगों को रोन देती है सलमान खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जंगल में जाते हैं उनका पिस्टल खुद चल जाता है और वो हिरन मर जाता है सलमान खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आमतौर पर जर्नलिस्टों से बदतमीजी करते हुए आपको मिलेंगे सलमान खान हर एक कॉन्ट्रोवर्सी का नाम सलमान खान है मतलब आप ये कह सकते हैं कि इस देश में किसी का कोई अगर गलती करता है तो उसे गलती ना बोल के सलमान खान बोले तो ज़्यादा बेहतर है मतलब आपने गलती नहीं की आपने सलमान कर दिया सो टेक्निकली अगर हम बात करें उस व्यक्ति की तो हाँ अगर इस चीज़

तो जिस तरह से चोर उचक्के लोग होते हैं उनको आदत तो होती है तो वो भी से ही एक तो नमस्कार स्वागत है आपका चैनल से शिवसेना चलाती है तो ऐसा लगता है कि अब उनको एक बड़ा झटका देने वाली और जो फिल्मों को पसंद करते हैं जो हिंदी निर्माता उनके लिए भी एक अच्छी खबर है कि अब योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि गेटेड नोएडा में भी अब फिल्म सिटी बनेगी जिससे उन कलाकारों को बहुत ज्यादा झटका लगेगा जो मुंबई में अपनी तानाशाही जमा कर बैठे हैं तो इसी पे शिवम सर से बात कर सर जो आदित्यनाथ ने कहा है की अब फिल्म सिटी ग्रेटर नोएडा में आएगी और वहाँ पर फिल्में बनाई जाएंगी देखिए किसी भी चीज का डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत जरूरी है जिस तरह से खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को वहाँ पर एक तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है मार दिया जाता है उनकी कोई खैर खबर नहीं ली जाती वो नेपोटिज्म का शिकार होते हैं और वहाँ पर जो कुछ इंडस्ट्री के लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी बाप की इंडस्ट्री है जिस तरह से वो तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए ये एक बहुत ही वेलकमिंग कदम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि किस तरह का किस तरह का एक दोगला व्यवहार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों के साथ वहाँ पर होता है पिछले दो महीने तीन महीने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा निकल कर भी आई है सब ने देखा भी है तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में वो सारी चीज़ें वो सब कुछ है जिस पर एक अच्छी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप की जा सके ग्रेटर नोएडा की जहाँ पर आप बात करते हैं वहाँ पर ज़मीन भी है हमारे यहाँ पर लेबर भी है हमारे यहाँ पर टैलेंट भी है सब कुछ है तो क्यों ना हम यहाँ पर सब शुरू करें और दूसरी बात उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब किस एक तरह से लोग अपनी चीज़ों पर इस तरह से कब्जा जमाने लगते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरे देश का है पूरी दुनिया का है लेकिन अगर कुछ सेलेक्टेड लोग सोचें कि वो सिर्फ उन्हीं का है तो कहीं ना कहीं ये समय आ गया है उनको जवाब देने का उनको बताने का कि सुनिए इस देश की जन ही सर्वोपरि है वही सब चीजों को तय करती है वही सब चीजों को बनाती है और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रदेश की सरकार में वो विल है कि जो इस तरह के मूवी माफियाओं से नेपिटिज्म के प्रोडक्ट्स से टकराने की हिम्मत रखती है और टकराने की ही नहीं कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना बेहद जरूरी है जब पावर सेंटर सिर्फ एक जगह हो जाए और कुछ लोग ही अपने आप को भगवान समझने लगे बॉलीवुड का तो ये बेहद जरूरी है कि ऐसा कुछ हो और एक बहुत ही अच्छा स्टेप भी है एक टैलेंट के लिए जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है बिहार भी उसी के बराबर बिल्कुल सटा हुआ है कहीं ना कहीं इनको जिस तरह से इग्नोर किया गया जिस तरह से एक महाराष्ट्र जनता के द्वारा नहीं जिस तरह से महाराष्ट्र में बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा लोगों के साथ चुनिंदा लोगों ने जिस तरह से बेजती लोगों की की, जिस तरह से लोगों को बाहर निकालकर फेंका फिल्मों में आने नहीं दिया आगे नहीं बढ़ने दिया उनके गाल पर एक ये करारा तमाचा है यहाँ पे जैसा लिया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से उसकी ने भी की है और कहा है कि बहुत अच्छा कदम है देखिए मुझे लगता है जो भी नेपिटिज्म से अलग है जो भी वो जो गैंग है जो बॉलीवुड का बुलीवुडियर्स का गैंग है उससे अलग हटकर जितने भी लोग हैं हर कोई इसकी सराहना ही करेगा क्योंकि जब बात करते हैं देश की जब बात करते हैं बॉलीवुड की तो बॉलीवुड रिप्रेजेंट करता है हिंदुस्तान को बॉलीवुड कोई तीन चार घरानों को मिलकर रिप्रेजेंट नहीं करता तो अगर एक ऐसा स्टेप आ रहा है तो किसको बुरा लगेगा किसी को बुरा नहीं लगेगा लेकिन हाँ उनको ज़रूर बुरा लगेगा जिनको अपने बाप के नाम से पिक्चरें मिलती हैं उनको ज़रूर बुरा लगेगा जिनका कब्जा है बॉलीवुड पर उनको ज़रूर बुरा लगेगा जिनका मतलब एक तरह से वर्चस्व है उनको जरूर बुरा लगेगा जो लोगों के करियर खत्म कर देते हैं उनको जरूर बुरा लगेगा जो अपने मर्जी से चीजें चलाते हैं लेकिन जो टैलेंटेड हैं जिनको आगे बढ़ना है जो अच्छा कर सकते हैं लेकिन किन्नी वजहों से नहीं कर पा रहे उनके लिए इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे कंगना रावत का जिस तरीके से बीएमसी ने घर तोड़ दिया था नोटिस के नोटिस चौबीस घंटे का पूरा नहीं हुआ था उसके बावजूद भी घर तोड़ दिया और उसके बाद जब याचिका डाल डाली कंगना रावत ने कि दो करोड़ रुपए उन्हें वापस चाहिए उस चीज के लिए मुआवजा चाहिए तो उसको लेकर बीएमसी ये कह रही है कि कंगना से वसूलना चाहिए पैसा मतलब पहले चोरी और फिर ऊपर से सीना चोरी कर रही है ये बीएमसी देखिए पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीएमसी ऐसी करीब अठारह हज़ार से ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में जहाँ पर इस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन है हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जिस तरह से बिल्डर नक्शा पास करके देता है और घर आपको बनाता है ऑलमोस्ट हर घर में हर आम आदमी मिडिल क्लास लोअर क्लास अपर क्लास हाई क्लास सब लोग किचन तोड़कर ये कर लीजिए वॉशरूम को अंदर ले लीजिए ये सब करते हैं नॉर्मल बात है ये हर जगह होता है मुंबई में भी ऑलमोस्ट हर घर में ये मिलेगा हाँ कंगना से बी को कुछ बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि लगातार जिस तरह से उद्धव ठाकरे को बैश किया है कंगना ने लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है जिस तरह से लगातार वहाँ की पुलिस की पोल खोली है तो उनको कंगना से कुछ खास लगाव है तो उनका घर तोड़ दिया जाकर वो एक अलग बात है कि उनसे दाऊद का घर टूटा नहीं इकतीस तारीख तक का तीस तारीख तक का हवाला दिया उन्होंने कोर्ट में जाकर यह कह दिया कि 30 सितंबर तक कोर्ट का ऑर्डर है कि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन को तोड़ेंगे नहीं सो टेक्निकली सबसे पहले तो यह वायलेशन ऑफ द कोर्ट वर्डिक्ट है और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि आप जिस तरह से एक डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपके खिलाफ बोलेगा उसको आप पकड़कर उसका घर तोड़ देंगे उसके खिलाफ मुकदमे डाल देंगे और ये तमाम चीज़ें करेंगे और अब जब उसने दो करोड़ रुपए मांगे हैं तो आप कहते हैं उनसे उल्टा वसूला जाना चाहिए क्यों वसूला जाना चाहिए? चाहिए और खारिज कर दे क्यों खारिज कर देनी चाहिए कंस्ट्रक्शन आपने तोड़ी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद तोड़ी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना इसके अलावा आपने जब आपको कहा गया कि आप रुकिए कम से कम 24 घंटे का समय दीजिए तो आपने नहीं दिया आप इतना एक्टिव हो गए इतना एक्टिव अगर उद्धव ठाकरे होते और उनके बेटे होते तो उनको बेबी पेंगुइन नहीं बुलाया जाता मतलब वो तो राहुल गांधी का नया अपडेटेड वर्जन है सारा देश इस बात को मानता है तो कृपया करके जब आपको तेजी अगर दिखानी है तो महाराष्ट्र में दिखाइए तेजी अगर दिखानी है तो पुणे जो है हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बन चुका है कोरोना uh, कैपिटल बन चुका है उस पर थोड़ा एक्टिवनेस दिखाइए अगर एक्टिवनेस ही आपको दिखानी है तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए दिखाइए कोरोना में दिखाइए एक्टिवनेस ही दिखानी है तो वहां को किसानों के लिए दिखाइए घर से बाहर निकलते नहीं हो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते रहते हो तमाम तरह की चीजें महाराष्ट्र को वर्स्ट आ, स्टेट की तरह एकदम चला रहे हो कहीं ना कहीं हिटलर शाही जो है उसमें कंगना ने एक तरह से छेद करने का काम किया है जो कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा लेकिन अब इस देश की महिला सशक्तिकरण की तरफ है अब इस देश में केंद्र में एक ऐसी सरकार बैठी है जो महिलाओं के साथ खड़ी

तो शक्तिमान की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ तो मेरे बचपन का फेवरेट सीरियल में से एक है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ही इज एब्सोल्यूटली राइट दर इज नो डाउट अबाउट इट वन थिंग बॉलीवुड बिलोंग्स टू इंडिया नॉट एनी स्पेसिफिक फैमिली वन टू वहाँ पर किसी का भी राज चले ऐसा नहीं होना चाहिए थ्री ये डेमोक्रेटिक कंट्री है यहाँ पर प्रधानमंत्री जनता चुनती है तो इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं जो पसंद आने चाहिए जिनकी फिल्में चलनी चाहिए ये भी जनता को ही तय करने दीजिए फोर आप चाहे कोई भी हैं अगर आप मेहनत करते हैं आगे बढ़ते हैं तो इस देश की जनता आपको हाथों हाथ लेती है लेकिन अगर आप सलमान खान हैं आप बदतमीजी करते हैं लोगों पर कार चढ़ाते हैं हिरन मारते हैं जर्नलिस्टों को पीटते हैं और शराब पीकर तमाम तरह के ड्रामे करते हैं तो माफ़ कीजिए जनता आपको आपकी औकात दिखाने में भी एक मिनट नहीं लगाएगी वो बताएगी और ऐसा जनता ने किया भी है पिछले कुछ दिनों से वो किसान बनकर और ये तमाम चीजें करके जो अपनी रेपुटेशन और इमेज को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं वैसा अब इस जनता को एक्सेप्ट नहीं है इससे पहले इस जनता ने ही इसी देश ने उनको बहुत प्यार दिया लेकिन वो दिन अब चले गए जब आप गलत करोगे तो आपके साथ भी जनता गलत करेगी सर एक लास्ट क्वेश्चन के जिस तरीके से संसद में खड़े होकर जया बच्चन ने यह कहा था कि जो लोग बॉलीवुड की बॉलीवुड से ही बॉलीवुड से ही बिलोंग करते हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं तो काफी सारे लोग जया बच्चन को सपोर्ट करने के लिए निकल आए जया बच्चन ठीक है मैं उनका सम्मान करता हूँ एक एक उम्र दराज अभिनेत्री हैं और वो ठीक है लेकिन इसके अलावा बेहतर होता कि वो तब भी बोलती जब इसी देश में जिस पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा है उनके मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है रेप हो जाता है इनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला आजम खान ने जब बदतमीजी की फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर महिलाओं के चड्डी का रंग बताने की बात की जो मैं कहना ही ना कहना नहीं चाहता उसमें भी शर्म आती है तो ये जया बच्चन एक बार भी नहीं निकली क्यों तब क्या हो गया था महिला सशक्तिकरण का इस देश में महिलाओं की दुश्मन महिलाएं ही हैं पुरुष से शायद उनको उतना खतरा नहीं है और अगर खतरा है भी तो उसको भी डील किया जाना चाहिए लेकिन इस देश में महिलाओं से खतरा महिलाओं को ही है जब आप सेलेक्टिवली किसी मुद्दे को उठाते हैं तो वो गलत है जब बहन मेरी हो या किसी और की महिला कोई दूर की हो या मेरे घर की हो या मेरे शहर की हो जब उनके लिए आवाज उठे तो बराबर उठे सबके लिए उठे एक साथ उठे और सबको उसी तरह से कंडेम किया जाना चाहिए ताकि सेलेक्टिवली आजम खां जैसे लोग जो इतनी बदतमीजी से बात करते हैं वो बचकर ना भाग सके आज उनको नेपोटिज्म आज उनको बॉलीवुड पर इतना प्यार और इतना तरस आ रहा है और वो इतना वोकल होकर बोल रही हैं बेहतर होता वो उस समय भी बोलती जब इस देश में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है

जब राज्यसभा में बैठी हुई एक इतनी आ, मतलब एक तरह से मैं कहूँगा इतनी एक्सपीरियंस्ड लेडी जो कि फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं वो इस तरह की बातों पर तो इतना वोकल हो जाती हैं लेकिन उन्हीं की पार्टी में जब लोग इतना बेहुदा कमेंट करते हैं महिलाओं पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता तो बताइए फिर महिलाओं के साथ वो है कहां उनको तो सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए लग्जरी चाहिए अपना वर्चस्व चाहिए अपनी राज्यसभा की सीट चाहिए अपनी पार्टी के लिए बैटिंग करनी है उस नेपोकिड्स के गैंग में शामिल होना है उनकी फ्लैग बैरर बनना है उनकी लीडर बनना है बनिए आप आपका सम्मान है लेकिन कल जब किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है फिर उस पर इस तरह की आ, मतलब आ, सेलेक्टिवली अप्रोच लेकर ना आ रहे बेहतर है चुप बैठी रहे जैसे अपने लीडर्स के लिए चुप बैठी रही वैसे ही चुप बैठी रहे या फिर बोले तो सब पर बोले मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनको लगा कि जिस तरह से बॉलीवुड में ड्रग्स को बहुत ही एक तरह से लाइसेंस्ड माना जाता है उनको लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं इस बहस को डीरेल कर दिया जाए इसको बॉलीवुड की इज्जत से जोड़ दिया जाए सुनिए कानून सबके लिए बराबर है और माफ़ कीजिए अगर कोई महिला भी ड्रग्स लेती है कोई पुरुष भी ड्रग्स लेता है मुंबई में तो जो व्यक्ति यहाँ पर मेरे देश में मेरे स्टेट में मेरे शहर में ड्रग्स के जुर्म में या फिर कुछ भी गांजा फूकने के जुर्म में भी अगर जेल जा रहा है ना तो माफ़ कीजिए आप चाहे सौ करोड़ के आदमी हैं अगर आप गांजा फूकते पकड़े गए या फिर आपका किसी भी तरह से उसका लिंक निकला तो आप जेल जाओगे चाहे आप अमिताभ जी के बेटे हों चाहे किसी और के बेटे हों चाहे कोई कोई भी खान हो उससे मतलब नहीं है यहाँ पर कोई लॉबी नहीं है मैं जया बच्चन नहीं हूँ सेलेक्टिवली बोलूँगा मैं सिर्फ कहता हूँ कि जो भी गलत काम करेगा उसको जाना ही पड़ेगा और अगर आप उन ऑफेंडर्स को बचाना चाहती हैं और अगर आप चाहती हैं कि उनको बचाया जाए अगर आप चाहती हैं कि उनको किसी तरह से बचा निकाल लिया जाए और राज्यसभा में इस तरह से पॉपुलर स्टेटमेंट करके और आप जो है इस मुद्दे को भटका देंगी तो नहीं NCB बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है एक एक को जेल तो जाना पड़ेगा पर आप चुप थी सर एक लास्ट क्वेश्चन की जिस तरीके से अभी आपने कहा एनसीबी बखूबी अपना काम कर रही है तो अब एनसीबी करण जौहर के जो पार्टी हुई थी 2019 में उन लोगों को भी समन भेजेगी और करण जौहर को भी अब शिकंजा कसने वाला है लोगों को देखिए भेजा जाना चाहिए पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए हमारे हमारे देश में वो राजा वाली प्रथा ख़त्म हो गई है कि राजा जो चाहे करेगा प्रजा पिछती रहेगी प्रजा के लिए अलग कानून राजा के लिए अलग कानून अब चाहे वो करण जौहर हो चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो भाई अगर आप शराब पीते हुए शराब शायद अलाउड है तो ठीक है लेकिन अगर आप ड्रग करते हुए मिलते हो आपको आप शक के दायरे में हो तो चाहे आप करण जौहर हो चाहे आप कई हज़ार करोड़ के मालिक हो चाहे आप इस देश के बहुत बड़े स्टार हो चाहे आपके ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ हो बावजूद उसके आपको जवाबदेही तो आपकी तय

लेकिन वो करने के बजाय इस जनता को और देश को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आपको आप बेहतर है जो आपसे कहा गया आप वो कर लीजिए कंगना का चैलेंज एक्सेप्ट करिए आइए सामने मैं तो कहता हूँ अपने घर से शुरुआत कीजिए क्यों ना अपने आप ही सबसे पहले टेस्ट करा कर दें इंपॉर्टेंट ये है इनको लगता है कि इनकी सीट को कोई हिला नहीं सकता इस इंडस्ट्री को कोई कुछ कह नहीं सकता इनके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करता ये भगवान है ये सबसे बड़े हैं ये देश में जो चाहेंगे करेंगे माफ कीजिए योर जस्ट एन एक्ट्रेस और जो वहाँ पर काम करते हैं वो सब कलाकार हैं और बस कलाकार ही रहें उससे ज़्यादा ऊपर ना बढ़े हाँ आप पॉलिटिशियन हैं आप सामाजिक जीवन में आइए सब मुद्दों को उठाइए आपका सम्मान होगा लेकिन एक कलाकार के नाते सिर्फ आपको कलाकार की ही इज्जत दी जाएगी आप सोचो कि आपको दुनिया जनता भगवान बना दे और आपसे किसी तरह की पूछताछ ना हो आपके बारे में कोई बात ना करे आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात ना करे माफ़ कीजिए दस ग्राम ड्रग्स या कुछ भी किसी एक आम आदमी के घर में निकल जाए पूरा परिवार जेल में चला जाता है क्यों उसका कोई सम्मान नहीं है उसके कोई राइट्स नहीं है उसके कोई लीगल राइट्स नहीं है अगर उन पर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं तो हर एक व्यक्ति पर चाहे वो कोई भी हो टॉप टू बॉटम इस देश के पहले नागरिक से लेकर और आखिरी नागरिक तक पंक्ति में खड़े हुए सबसे लास्ट नागरिक तक सबको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कोई भी कानून से बढ़कर ऊपर नहीं है जया बच्चन जी से मेरी अपील है शुरुआत करें अपने घर से ही ड्रग टेस्ट सबसे पहले कराएं अभिषेक बच्चन का तो पता चल जाए और सामने आ जाए चीजें बेहतर है जनता में आकर इस तरह की उल बातें ना करें इनसे कुछ लाभ नहीं होने वाला धन्यवाद सर